हेलो एंड नमस्कार वेलकम टू एन सी सेशन आई एम सिमरन सिंह एंड व्यूअर्स यू कैन ऑल कनेक्ट विद अस टू पीएमई विद्या चैनल्स एंड ऑल्सो लेटर यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन आर यूट्यूब चैनल दैट गोज बाय द नेम एनसीईआरटी ऑफिशियल एक बार पुनः आप सभी का कर स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में यानी हमारे इस वेबिनार सीरीज में जिसका नाम है लिसनिंग टू लर्न सुनें और सीखें इसके अंतर्गत हम बहुत से विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और बहुत से चुनिंदा विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं तो आज ऐसे एक बेहतरीन विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज डेवलपिंग एंड अर्थक्विक रेजिलियन सोसाइटी वेल वी आर ऑल इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड स्टिल दे आर सो मेनी एरियाज अक्रॉस द ग्लोब विद इन आर कंट्री दैट दर आर्थक्विक प्रोन

जिनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं सो वन ऑफ देम इज़ डी डी एच डॉट क्लास ट्वेल्व एट द रेट सी आई ई डॉट एन आई सी डॉट आई एन सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट इज़ आवर वेबिनार सीरीज़ लिसनिंग टू लर्न इट इज़ ब्रॉट टू यू बाई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथेमेटिक्स दैट इज डी ई एस एम एन सी ई आर टी एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज़ द एटी फर्स्ट एडिशन ऑफ आवर वेबिनार सीरीज़ यानी इससे पहले हम अस्सी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और दर्शकों अगर आपने हमारा कोई भी कार्यक्रम मिस किया है तो घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको केवल टॉपिक का नाम सर्च करना है एंड यू विल है Have the video. और जो भी आपके सवाल हैं आप जानते हैं कि बहुत से माध्यम हैं जिनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर गगन गुप्ता सर सर वी वेलकम यू जी नमस्कार सिमरन दोस्तों आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत खास है आज आ, मेरे साथ प्रोफेसर हर्ष के, के गुप्ता हैदराबाद से मेरे साथ हमारे साथ स्टूडियो में है इससे पहले कि मैं इस आज के प्रोग्राम के बारे में और प्रोफेसर गुप्ता के साथ आपका परिचय कराऊं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ये प्रोग्राम अगस्त 2021 में प्रारंभ हुआ था और तब से लेकर यह प्रोग्राम सतत रूप से चल रहा है आज हम अपने इक्यास इक्यासीवें पड़ाव पर हैं इस प्रोग्राम में हमारे सहायक सी एस आई आर इंडिया और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है हम लोग उनके दोनों संस्थाओं के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपना सतत सहयोग बनाए रखा है इस प्रोग्राम में हमने हेल्थ से जुड़े हुए विषयों रॉकेटरी के विषय के साथ जुड़े हुए विषयों प्लेनेटरी मिशन के साथ जुड़े हुए विषयों है और हमने दिल की सैर की हमने फेफड़ों की सैर की हमने चंद्रमा की सैर की हमने इस प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्रामों के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं आपके सुझाव हमें हमेशा लगातार मिलते रहते हैं उन सुझावों के आधार पर हम आने वाले प्रोग्रामों की बारे में चर्चा करते हैं इस प्रोग्राम में इस सीरीज़ में हमने दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विषयों पर ज़्यादातर बात की है लेकिन वी हैव सेल्डम ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमारे साथ मुंबई डिब्बा वाला बम्बई बम्बई से आए थे मुंबई डिब्बा वाला के चेयरमैन पवन अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े थे आगे आने वाले अगले महीने में मिट्टी कैफ़े के जो सी ई ओ हैं अलीना आलम वो भी हमारे साथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगी यहाँ पर स्टूडियो में होंगी आप इन सब प्रोग्रामों को अस्सी प्रोग्रामों की जो सीरीज़ है जैसा कि मेरी साथी सिमरन ने आपको बताया कि आप हमारे एन सी आर टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन की वेबसाइट के इवेंट सेक्शन में आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम मिलते हैं आप स्क्रीन पर आपको हमारा लिंक फ्लैश कर रहा है आप उस पर भी हमारे सारे प्रोग्रामों को देख सकते हैं आप अपने सुझाव मेरे साथी सिमरन ने जो आपको नंबर टेलीफोन नंबर दिया और ईमेल एड्रेसेस दिए आप उन सब पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं हम आपके साथ प्रोग्रामों की श्रृंखला को बनाए रखेंगे और काफ़ी रोचक विषय हमारे साथ है पिछली बार हमारे साथ बंगलौर से प्रोफेसर ग्राटकर जुड़े थे जिन्होंने कि की कीट समाज से सीखने की आवश्यकता के ऊपर हमसे चर्चा की थी आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर हर्ष गुप्ता हाईली डेकोरेटेड साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री उन्होंने आज वो बात करेंगे हमारे साथ अर्थक्विक रेसिलियंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में कि हम अपने आप को अर्थक्विक रेसिलेंट सोसाइटी के बारे, किस तरह से बना सकते हैं हम अपने आप को भूप कम प्रतिरोधी किस तरह से बना सकते हैं अपने समाज का विकास इस तरह से करें कि जिससे कि भूकंपों का असर हम पर कम से कम पड़े कम से कम पड़े हम जानते हैं विभिन्न विभिन्न समाजों को जहाँ पर कि हम जानते हैं जैसे जापान अभी थोड़े दिनों पहले को, कोरिया में एक भूकंप आया था और हमें मालूम पड़ा हालांकि उससे नुकसान तो हुआ था मगर उसका स्केलिंग काफ़ी कम था जितना कि एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे देश के आ, मापदंडों के हिसाब से आज प्रोफेसर गुप्ता हमारे साथ इस सब विषयों पर बहुत गहनता से चर्चा करेंगे आप अपने सवाल हमें ईमेल से भेज सकते हैं हम आपके पास उन सब सवालों के जवाब दोबारा से भेजेंगे आपके पास बिल्कुल भेजेंगे आपके पास आप और अब मैं प्रोफेसर गुप्ता के साथ आपके परिचय कराना चाहता हूँ प्रोफेसर हर्ष गुप्ता इस करेंटली द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इंसा सीनियर साइंटिस्ट एट दी एस आई आर नैशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एन जी आर आई हैदराबाद आपका स्वागत है प्रोफेसर गुप्ता हमारे स्थाथ। शो में और हम शुक्रगुजार हैं सी एस आई आर इंडिया के और पर्टिकुलरली सी एस आई आर एन जी आर आई हैदराबाद के कि उन्होंने एन सी ई आर टी के साथ अपना कोलाब्रेशन बनाया और हम उम्मीद करते हैं कि ये कोलाब्रेशन आगे लगातार बन चलता रहेगा और, और विभिन्न प्रोग्रामों में प्रोफेसर गुप्ता इज द प्रेसिडेंट ऑफ़ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड ए मेम्बर ऑफ द एटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया He has also been the visiting professor and advisor to the universities of Hamburg and Paris, United States Geological Survey and, advise, and advisor and consultant to UNESCO International Science Council, International Atomic Energy Agency, and the Commonwealth Science Council. Professor Gupta has been a member of the National Disaster Management Authority, India, Secretary to the Government of India, Ministry of Earth Sciences. Director, National Geophysical Research Institute, Vice Chancellor, Cochin University of Science and Technology, Director, Center for Earth Sciences Studies, Thiruvananthapuram, Professor at University of Texas at Dallas. Professor Gupta has also been the President of the International Union of Geology and Geophysics and the Asia Oceania Geosciences Society. Prof. Gupta is globally known for discovering 65 to 70 km thick crust below Himalaya and Tibbat Plateau. Developing criteria to discriminate artificial water reservoir triggered earthquakes from normal earthquakes. Prof. Gupta has also set up India's first permanent station in Antarctica in a record time of one Antarctic summer professor gupta has also chaired the steering committee of global seismic hazard program where nearly 500 scientists worked globally to produce global seismic hazard map setting up of the indian ocean tsunami warning system after the disasters 2004 sumatra earthquake of magnitude 9.2 on richter scale planning and editing encyclopedia of solid earth geophysics first edition in 2011 and second edition in 2021 published by the springer professor harsh gupta has also been conferred with the several prestigious awards including the shanti sarup bhatnagar award 1983 national mineral award for excellence 2002 padma shri 2006 waldo smith award 2008 oxford medal by the asia-oceania geoscience society 2016 national lifetime excellence award by the ministry of earth sciences india 2022 international association of seismology and physics of the earth's interior iaspei medal 2023 and many more आपका स्वागत है सर धन्यवाद और हम सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और सी एस आई आर एन जी आर आई के कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं हम बड़े हुए हैं आपका चेहरा देखकर आपकी बातें सुनकर हमारा मुझे याद है सर हम आपको बड़े हुए हैं आपकी बातों को सुन सुनकर टी वी पर और डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर सुनकर आज हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ हैं सर दोस्तों आज के प्रोग्राम में सर जितने भी इलस्ट्रेशंस दिखाने वाले हैं वो सारे इलस्ट्रेशंस या तो सर को बिलोंग करते हैं या फिर ओपन सोर्सेज से हैं आप इनका उपयोग फॉर किसी भी शिक्षा कार्यक्रम के लिए कर सक फ्रीली कर सकते हैं सर प्रोफेसर गुप्ता इट इज़ ऑल योर सर बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद गगन एंड धन्यवाद सिमरन ये इट्स अ वेरी बिग प्लेजर फॉर मी टू बी विद यू एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड That NCRT has done a, such a wonderful job of popularizing science by calling some outstanding scientists who talk to the people, and I am very impressed uh, with the approach that Gagan made uh, asking me to come and talk, and I am very happy to be here. I am also very happy to see the efficiency of this studio and all his colleagues who appear to me very dedicated to the job. सो फ्रेंड्स आई स्टार्टेड आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट डेवलपिंग एन अर्थोक रिजिलियंट सोसाइटी और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम देखें दुनिया में तो इस नक्शे में दिखाया गया है कि कहाँ पर कितने लोग मारे जाते हैं तो नेचुरल डिजास्टर में एशिया में 70 परसेंट लोग दुनिया में जो मरते हैं वो एशिया के होते हैं 68.57 और इसके बाद यूरोप में 6.57 पॉइंट ओशानिया में 7.3 पॉइंट परसेंट अफ्रीका में सिक्स पॉइंट अमरीका में अलेवन पॉइंट सो एशिया जो है वो एक हब है जहाँ पर कि नेचुरल डिजास्टर से बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं और एक जो चीज़ बहुत परेशान करने वाली है जिसके बारे में हमको सेंसिटिव होना है दैट इज़ दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द अर्बनाइजेशन इज़ ऑन इंक्रीज पीपल आर मूविंग फ्राम विलेज टू द सिटीज़ और अर्बन पॉपुलेशन जो है एशिया की 1950 सिर्फ 17 परसेंट लोग जो थे वो अर्बन एरियाज में रह रहे थे 210 में वो तैंतालीस परसेंट हो गई 212 में छियालीस परसेंट हो गई और ऐसा माना जाता है कि 230 तक 2030 तक मतलब अगले छः वर्ष में ये पचपन परसेंट हो जाएगी इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस बात का ख्याल रखें भूकंपों से बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको भूकंप के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ ज्ञान दूं तो भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो अधिकतर मैग्नीट्यूड बहुत ही प्रचलित है और उस मैग्नीट्यूड में दुनिया भर में एट मैग्नीट्यूड से अधिक अर्थवे ऑन एवरेज साल भर में एक आता है जब हम मेजर अर्थफे की बात करते हैं तो अट्ठारह तक आते हैं सत्रह सात सेवन टू सेवन पॉइंट नाइन और ऐसे जैसे जैसे मैग्नीट्यूड कम होता जाता है उनका नंबर बढ़ता चला जाता है तो बहुत ही छोटे अर्थपेक्ष जो होते हैं वो करीब आठ हज़ार अर्थपेय हरे दिन आते हैं जो मैनीटूट एक के होते हैं इसके बाद ये ज़रूरी है कि हम समझें कि मैनी और एनर्जी का क्या रिश्ता है तो आप ये मान के चलें कि जो हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब एक्सपोर्ट करे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एक छः मैनीट का भूकंप उतनी एनर्जी उतनी ऊर्जा रिलीज करता है जो कि हिरोशिमा या नागासाकी बम जितनी होती है और ये जो मैनीचोड स्केल है बड़ा डिसेप्टिव है जब मैनीच्यूड एक यूनिट बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज है थर्टी वन टाइम ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह से अगर आप हिसाब लगाएं तो एक मैनी नॉर्थ को जो है वो करीब चालीस हज़ार हीरोशा बॉम जितनी एनर्जी रिलीज करता है समय के साथ साथ कई मैनीच्यूड के स्केल्स डेवलप हुए लेकिन मैं उसके उसमें नहीं उलझना चाहूँगा और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जो मैनीच्यूड जिसने जैसे इस्तेमाल किया वो मैंने प्रयोग किया है इस भाषण के लिए इस प्रेजेंटेशन के लिए लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक मैनीच्यूड छः का अर्थ को जो है वो हिरोशिमा जितनी एनर्जी रिलीज करता है जब हम पाँच पाएंगे तो उससे वन वन थर्टी थर्टी एट टाइम और कम होता जाएगा नॉर्मली पाँच मैनीच्यूड भूकंपों से हानि होती है उससे छोटे भूकंपों से नॉर्मली नुकसान नहीं होता है अब ये बड़े मान बड़ी आश्चर्य की बात है और दिस हैज़ ऑलवेज बॉदर्ड मी कि हमने विज्ञान में टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति करी है लेकिन अगर आप पहले तेईस वर्ष देखें इक्कीसवीं शताब्दी के तो इन तेईस वर्ष में भूकंपों और उनसे अर्जित सुनामियों में जितने लोग मारे गए हैं वो बीसवीं शताब्दी के टोटल से ज़्यादा हैं और ये डिस्पाइट ऑफ ऑल अवर डेवलपमेंट्स तो so, हम क्या हो रहा है हमको हम कहाँ मिस कर रहे हैं अगर आप देखें एशिया का जो मैंने पहले बताया था कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं उसमें से एक बड़ा कारण क्या है कि दुनिया के जो दस सबसे बड़े शहर हैं टेन लार्ज सिटी उसमें सात एशिया में हैं जो कि आपको इस चार्ट में दिखाई पड़ेंगी इंडिया में दिल्ली है फिर इंडिया में मुंबई है फिर इंडिया में कोलकाता है उन सात में से तीन जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं अब जो है ये भूकंप के बारे में हम ये भी मान लें कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं और पिछले 500 या 600 वर्ष 500 वर्ष का जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से जो भूकंप आए आठ मैं और उसके ऊपर के उनकी मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है करीब सात छः सात ऐसे भूकंप अभी तक आ चुके हैं लेकिन अभी काफ़ी समय से ऐसा भूकंप नहीं आया है तो इस नक्शे में हम देख रहे हैं कि ये हमारी प्यारी हिमालयन बेल्ट है इस हिमालयन बेल्ट में चार बड़े भूकंप आए तिरपन साल के अंतर के अंदर सबसे पहले एट्टीन का सेवन का शिलोंग आया इसके बाद 1905 ओ फाइव कांगड़ा अर्थ कोवेखा गया यहाँ पर फिर 1934 बिहार नेपाल रर्थ को आया फिर 1950 फिफ्टी आसाम अर्थ को आया असम अर्थक्वेक के संग एक बहुत ही बात है कि आठ दशमलव सात मैर्च का अर्थक्वेक जो है वो दुनिया में जितने भी कॉन्टीनेंटल रीजन में अर्थक्वेक्स आए हैं उसमें ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक है इतना बड़ा अर्थवेक आज तक कहीं भी कॉन्टिनेंटल रीजन में नहीं आया है इसके बाद लास्ट भूकंप जो आया है इस मैर्ज का वो नाइनटीन फिफ्टी में आया था उसके बाद से यहाँ पर कोई भी आठ मैर्च का भूकंप नहीं आया सिर्फ आए हैं ये आसाम में आया था एक सेवन पॉइंट थ्री का नाइनटीन एटी सिक्स में इसके बाद 2006 में मुजफ्फराबाद में जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर वहाँ पर आया और फिर 2015 में गोरखा क्यों कहा नेपाल में जो इंडिया बॉर्डर में भी उसका असर पड़ा था ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर हम सारे भूकंपों का एनालिसिस करें जो हिमालय में आए हैं तो 1897 से 1952 तक साढ़े सात से ज़्यादा मैं के चौदह भूकंप आए सात से साढ़े सात तक ग्यारह और छः पॉइंट पाँच से सात तक उन्नीस नाइनटीन फिफ्टी से नाइनटीन ट्वेंटी थ्री तक पिछले सत्तर वर्षों में सेवन पॉइंट फाइव से बड़े सिर्फ दो भूकंप आए चौदह के मुकाबले सेवन पॉइंट सेवन का ये कंपेरेबल कम, हो जाते हैं तो ये एक बड़े भूकंप की वाकई ही हिमालय में कमी है जो कि कभी भी आ सकता है बहुत समय गुजारा गया है अर्थक्वेक फोरकास्ट के लिए हम लोगों ने भी काम किया था और हम लोगों ने 1986 में एक मीडियम टर्म अर्थक्वेक फोरकास्ट करी थी ये क्या होता है मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म वो होता है जहाँ पर हम कहते हैं एक एरिया है 2000 किलोमीटर बाय 2000 किलोमीटर जहाँ पर कि बहुत लंबे समय से भूकंप नहीं आया है तो वहाँ पर भूकंप आने की संभावना है अगले तीन या चार दशक में वो होती है लॉन्ग टर्म प्रोजिक्शन मीडियम टू फोरकास्ट में क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं उसमें हम एरिया बताते हैं कि इस एरिया में आएगा जो कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर बाई 400 या 500 किलोमीटर हो सकता है फिर हम उसका टाइम बताएंगे कि ये भूकंप जो है अगले तीन वर्ष में आएगा पाँच वर्ष में आएगा दस वर्ष में आएगा और उसके बाद हम बताते हैं कि उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा वो मीडियम टोकास्ट होती है इसके बाद जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होती है वो वो होती है कि हम कहें कैसा परसों को भूकंप आएगा उसका अनुमान इतना होगा और ये इस जगह आएगा तो अभी तक शॉर्ट टर्म फोरकास्ट हम लोगों का उसमें बहुत उपलब्धि नहीं हुई है लेकिन मीडियम फोरकास्ट हमने हिंदुस्तान में एक करी थी और ये हमने करी थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये 1986 में करी गई थी और इसको फोरकास्ट करने के पीछे जो टेक्निक अप्लाई करी गई थी वो अर्थ को एक प्रिकर्सरी स्वाम्स और क्वेश्चन की थी हमने करा क्या कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जितने भी साढ़े से बड़े मुकम्पाएँ हैं उनका हमने रिकॉर्ड देखा और उसमें देखा कि वो तो सब भूकंपों में एक पहले प्रिकर्सरी स्वर्म रहता है सॉर्म का मतलब एक दो साल के अंदर कई सारे भूकंप आ जाना और कोई मेन शॉक ना होना इसके बाद क्वेश्चन मतलब कोई भूकंप नहीं आया फिर एक बड़ा भूकंप आया तो इस डेटा को लेके हम लोगों ने एम्पेरिकल रिलेशन्स डेवलप करे उस जगह के जहाँ पर कि स्वॉर्म तो आ गया है लेकिन अब क्वेश्चन चल रही है और उसके हिसाब से हम कहेंगे कि भूकंप कहाँ है तो ये टेक्निक लगा के हमको एक एरिया मिला इक्कीस दशम ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फाइव एंड हाफ डिग्रीज नॉर्थ नाइन्टी से नाइन्टी सिक्स ईस्ट और हमने उसका भूकंप का मैग्नीट्यूड रखा आठ एट प्लस माइनस हाफ और डेप्थ रखी सौ हंड्रेड प्लस 40 किलोमीटर्स और ये हमने नाइनटीन एटी सिक्स में यह शोध पूरा किया था और हमने कहा था अरे ये नाइन्टीन नाइन्टी तक भूकंप नहीं आता है तो हमको इसको फॉल्स अलार्म मानना चाहिए ये भूकंप आया छः अगस्त नाइनटीन एटी एट को इसका जो एपिसेंटर था वो 21 25 के बीच में 25.116 में था 93 96 95.171 मैग्नीट्यूड हमने 8 प्लस माइनस हाफ करा था इसका मैग्निट्यूड तो 7.3 था डेप्थ हमने सोर्स प्लस माइनस 40 किलोमीटर बताई थी इसकी 115 किलोमीटर डेप्थ थी और टाइम हमने 1986 से 1990 तक बताया था और इस स्क्वायर सो so, ये वो सारा एरिया है जिसके बारे में हमने कहा था कि इसके अंदर भूकंप आना चाहिए और यहाँ पर ये भूकंप आया और ये सारे पुराने मैनिचोड 8 के अर्थ हैं अगर टेक्निकली एनालिसिस करी जाए तो जो एरिया हमने बताया गया था और जो टाइम विंडो दी थी उसमें इस भूकंप के आने की संभावना इस्टेटिस्टिकली ज़ीरो थी तो इसका दुनिया में काफ़ी मान हुआ और मेरे को कई जगह इसके बारे में भाषण देने के लिए बुलाया गया इसके बाद मुख्य विषय ये है कि अर्थ पे फोकास्ट आर नॉट अवेलेबल एज ऑफ नोट शॉर्ट टर्म फोकास्ट और शॉर्ट टर्म फोकास्ट में क्या होता है कि हम बताएं कि भाई इस दिन इस समय भूकंप आएगा लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा अगर मैं आज कहता हूँ कि संडे को आने वाले रविवार को मतलब परसों को दोपहर के बारह बजे दिल्ली के आसपास एक सात मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा क्या हम सब लोग दिल्ली छोड़ के जा सकते हैं वो संभव नहीं है इसीलिए ये जरूरी है कि हम भूकंपों के संग रहना सीखें हाउ टू लिव विद अर्थक्स एंड हाउ टू डेवलप इन अर्थक्वेक रेजिलियस सोसाइटी और मेरा मुख्य ध्येय आज के प्रोग्राम में यही है कि मैं कुछ उसको प्रकाश डालूँ कि हम कैसे एक अर्थवेक रेजिल्स सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं इस काम को करने के लिए हमने दो भूकंप लिए एक तो 1905 का कांगड़ा भूकंप था और एक 1897 का शिलोंग अर्थ को था तो उसमें अप्रोच क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि अगर वो भूकंप आज के दिन आए तो क्या होगा तो वो काम करने के लिए हम लोगों ने एक कामन uh, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक भूकंप मानस है हिमालय रीजन में क्या होगा और फिर इसके बाद हम जो हैं जो मेन स्ट्रीम होता है रिस्क मैनेजमेंट का और गवर्नमेंट का पब्लिक का उसको सूचित करें और ये कहें कि हम कैसे भूकंप के साथ रहना सीख सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस कम्पेन करें बताएं लोगों को और उनको इन्वॉल्व करें इस कार्य के लिए तो ये देखिए 1905 का जो कांगड़ा भूकंप था उसका मेट्रू 7.8 था और ये एक बड़ा फेमस चर्च था वो भूकंप से पहले और भूकंप के बाद ऐसे कई सारे सीन्सि रिपीट हो सकते हैं तो होता क्या है कि भूकंप आने से जो क्षति होती है जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके हिसाब से एक ऐसोसेसमल मैप बनता है एसोसेशमल मैप का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सब जगह इंटेंसिटी 9 से 10 रही 9 से 10 सेंट में क्या होता है कि सारे मकान गिर जाते हैं नल टूट जाते हैं इत्यादि इत्यादि फिर इसके बाद इंटेंसिटी 8 से 9 जो बाहर यहाँ पर ही इसमें क्या होगा कि जो कमज़ोर मकान हैं वो गिरेंगे और इसी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन होता है तो हमने एक हाइपोथेटिकल भूकंप लिया 8 मैडीट्यूट का जो कि 1905 कांगड़ा के पास मंडी में आया ये हमने उसकी फोर्ट लाइन लगाई और उसके ऊपर ये उसका इंटेंसिटी स्केल बनाया कि यहाँ पर इस तरह का इंटेंसिटी वितरण होगा अच्छा अब इसके बाद क्या होता है कि आप उस इंटेंसिटी स्केल के ऊपर अगर आप टाइपोलॉजी ऑफ हाउसेज रखें तो आपको पता लग जाता जा है कि किस में से कितने मकान गिरेंगे और उसके बाद अगर आप उसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी की लेयर लगाएं देन वी गेट टू नो दैट हाउ मेनी पीपल विल गेट कल्थ सो वी केम टू एन एस्टिमेट दैट इन केस दिस अर्थक्वेक अकर्स इन द मिड ऑफ द नाइट इन हिमाचल प्रदेश वी विल लूज क्लोज टू वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इन हरियाणा वी लूज क्लोज टू थ्री लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड पंजाब फोर लैख सिक्सटी टू थाउजेंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में ट्वेंटी फोर थाउजेंड सो टोटल कम्स टू अबाउट पॉइंट नाइन मिलियन नौ लाख लोग हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो करा था वो सिर्फ इन चार स्टेट्स के लिए करा था क्योंकि एक साथ और स्टेट्स को लाना बड़ा मुश्किल होता था तो जब ये आंकड़े मेरे सामने आए तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि भाई ये तो बहुत नुकसान की बात आ रही है मेरे को उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था मैं इन कैलकुलेशन पर फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि जो मुजफ्फराबाद में अर्थविक आया था जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया टू में उसका मास सिर्फ सेवन था तो 7.6 से 8 तक कम से कम 10 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इस इस भूकंप में यह भूकंप आए भी सुबह के नौ बजे था नौ बजे का मतलब है कि ज्यादातर लोग देर आउट ऑफ देयर होम्स एंड इन इंडिया एंड मेनी डेवलपिंग कंट्रीज द मोस्ट ऑफ द डेस्ट इन अर्थक्वेक्स आर बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज इन विच पीपल आर लिविंग सो दिस अर्थक्वेक कमिंग एट नाइन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग Being about ten times smaller in energy release than a magnitude earthquake, claimed eighty-seven thousand human lives. So, if an earthquake which is ten times bigger comes in the middle of the night, it may claim up to nine lakh lives. At the same time, I was uh, invited to a, a conference, Wilton Park Conference in London. Wilton con Park conferences are very limited in a sense. They call no more than 15 to 20 people. The conference lasts for 5 days, Monday to Friday, and these 20 people discuss in depth one topic, and the every one of them talks for one hour and then the discussion continues for the whole day. So I was invited to talk about the earthquake uh, and tsunami warning system, which we had set up after the Sumatra earthquake. And one gentleman told us about the loss of human lives globally in uh, natural disasters and uh, the entire Himalayan belt was red thats mean 1 billion or more lives could be lost there. So I thought that this number may not be too wrong. when we start our process of developing an earthquake resilient society, we must to start with focus on the schools, because what we have seen that the Sichuan earthquake of 12 May 2008 killed 20,000 children in the school. The muzaffarabad earthquake of 2005 killed 16,000. Even in India, the Bhuj earthquake of uh, 26 January 2001 claimed 970 uh, school children's lives. And if we can uh, educate children to be aware of earthquake resilience. Then when they grow up, they become a very responsible adult. Also, when I was doing this with the school children, I realized that they went home and asked their parents that is the home, the house they are living, is earthquake uh, resilient. Will it be able to tolerate the kind of accident you have an earthquake? So, this becomes a very important thing. Another thing, what we do very often that we tell that when an earthquake starts you must uh, go to a safe place so what i tell students and everyone else that when the earthquake starts at that time you cannot think to go to a safe place so we should think ahead of time because we are mostly at our place of work or a school we will be at our home or we'll be in some market etc in all these three places where we spend most of our time in a day we should find out that which are the safe places if we are at our home and we are living on the 25th floor. there is no way you can get out into the open. so then in your own house, which is the best place where you can get below the table, etc., etc., if you are on the first or second floor, you can get out. so like that, it is very important for all of us to keep in mind, i think it is true for everyone in delhi, that you should think that which are the safe places, apyapabhati, gangasap, agariyapabukampai, apkanjange, Yes, अगर, yes. अगर, अगर सोचा तो बहुत अच्छा yes. अगर नहीं सोचा तो बड़ा सोचना जरूरी है आपकी लिफ्ट काम करेगी कि नहीं करेगी आप जो है सीढ़ी से उतर के जा पाएंगे कि नहीं अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो फिर आप देखें कि आप ऑफिस में कहाँ घुसेंगे कहाँ बचेंगे और ऑफिस में क्या होगा कि कई दीवारें गिरेंगी कई नहीं गिरेंगी और उसके जो कॉर्नर की दीवारें होती हैं जहाँ पर कि आपका आई होप इट इज़ बेल्ट ऑन पिलर्स दिस बिल्डिंग सो उस कॉर्नर में रहना बहुत उचित है दूसरी बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारी जो लाइफ लाइन बिल्डिंग्स हैं अगर वही सेफ नहीं है भूकंपों में तो क्या होगा ऑल ओवर हॉस्पिटल्स आर लाइफ लाइन बिल्डिंग्स ऑल ओवर पुलिस स्टेशन लाइफ लाइन बिल्डिंग्स ऑल द ऑफिस ऑफ अवर कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स देयर लाइफ लाइन बिकॉज इफ देयर हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड दे आर हाउ विल दे एक्ट एंड दिस वी कीप ऑन सीन इन द ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड वन अर्थक् many hospitals in uh, gujarat were destroyed and it is very simple to retrofit a building to make it earthquake resilient you see now data are available which tells you that what kinds of accelerations are anticipated in this building and a qualified uh, engineer can look at the maps the construction details the architecture of this building and the quality of the material used in this building and then give you an estimate whether this building is capable of withstanding the anticipated earthquake and if not what are the retrofitting measures that you should take to make it earthquake resistant very often we find that if the measures required to make it earthquake resistant cost you more than 50% cost of the building we say that retrofitting is not recommended you should either rebuild it or Take care of it. So, these are two very important things. So, before taking up uh, this exercise for the repeat of 1905 Kangra earthquake, we had the observers and stakeholders spread all over these four states and uh, the state government, the central government, the national disaster response force, the state disaster response force, all the schools, all the hospitals, and public were totally involved in this exercise. And these are some of the campaigns which we did. We did it with uh, very important and known persons uh, like uh, Kapil, uh, Kapil Dev and Yura Singh. So, they literally joined those rallies which were taken out uh, in the cities of these four states and uh, we टोल भुंग आने की स्थिति में क्या करें कैसे करें ये सब बहुत इसका डिस्कशन हुआ इसके पश्चात हम लोगों ने एक काल्पनिक भूकंप लेकर आए 12 फरवरी 2013 को और उजा आइडिया ये था कि इस काल्पनिक भूकंप से लोगों का क्या रिस्पांस था और उसको रिस्पांस को देखने के लिए हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया पुलिस को अलर्ट किया गया एन डी और सारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स से मोहाली में कैसे लोगों ने देखा कैसे एक्सरसाइज हुई कि हॉस्पिटल में आप कैसे जो लोग आहत होंगे उनको लेकर जाएंगे हाउ वुड यू गेट द हॉस्पिटल वेकेटेड बिकॉज इन मेनी हॉस्पिटल देर आर नो बेड्स बेड्स आर बी यूज पीपल हु आर जस्ट टेकिंग रेस्ट और एज एडवाइज एक्सेट्रा सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बेड्स सो देर शुड बी प्री प्लान That, how many people are those who can be taken away from those beds and provided to other people? So, this all exercise continued in Shimla, a lot of exercise was done in Shimla on this. So, at the end of it, next day there were reports in the newspapers mega mock drill exposes chinks in disaster management plan. So, many people were upset, my colleagues in National Disaster Management Authority. I said, this is the best thing that could have happened to us because no matter how much I pay to that newspaper, he will never put all this in, in the press. Of and uh, what happened that uh, just next day, Simran, I was sitting in my office in NDMA and there was a magnitude, uh, I was saying, I can feel an earthquake and say what the magnitude is. So I felt that there is a many earthquake, maybe of magnitude 5, which has occurred, maybe 40, 50 kilometers from, from my office so i did not try to get out but i watched out of my window whole street was full of the people so th they were fresh so they all came out because they also felt this so getting on the road is a safe place so they were doing that so it is very important that there is a repeated message given to the people that what they should do what they should not do during earthquakes and uh, if you teach the school children they take care of their parents

And they organized a seminar where they had called close to five hundred children from all the schools in Chennai And the teachers. The teachers were the persons who were to teach the school children that what they should do, etc. etc. So this earthquake has several firsts to their credit. This is the first earthquake. This is the This is the first earthquake which showed that acceleration due to an earthquake can exceed 1 G. Because boulders which were inside uh, sitting their sockets, they were thrown out of it. And uh, Oldham did an excellent uh, study. Oldham was the Director General of Geological Survey of India and he compared it with the 1775 Lisbon earthquake and uh, many other things. So, 87. 1987 magnitude was 8.7, 12 June, that time delta was only 1500, area affected etc, etc. Now northeast as I told you have had many earthquakes of magnitude 7.5 and larger, between 1897 and 1952 there were 10 such earthquakes, but nothing has happened since then. Now this is the epicenter of the Shillong earthquake and uh, these are again the intensities of that earthquake. फॉर डिफरेंट मैनिट्यूट स्किल्स एंड देन दिस वॉट हैपन एटीन नाइनटीन शिलॉन्गढ़ के वार्ड लेक का जो था ब्रिज गिर गयाचुअली आई स्पेंड क्वाइट ए बीट ऑफ टाइम ऑन वार्ड लेक दिस ईयर ऑल्सो ऑल सेंट चर्च गिर गया वहाँ पर और जो फर्स्ट ऑर्डर एस्ट एस्टिमेट हम लोगों ने करा इस भूकंप का वो आठ स्टेट्स के लिए हुआ आसाम मणिपुर मेघालय वगैरह में वहाँ पर भी आठ लाख लोगों के मरने किया अनुमान किया गया इस ऑटोक्विक की स्टडी के लिए इस पूरी एक्सरसाइज जो कि एक साल चली थी आई वॉज वेरी लकी दैट वी हैड द पार्टिसिपेंट्स आसाम स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय सारी स्टेट्स एनडीए में नेशनल एंड वी हैव गॉट सी एस आई लाइबोरेटी नीस्ट नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू से दैट नीस्ट हैज़ टेकन ऑन टू दैम टू मेक ऑल द स्कूल चिल्ड्रेन इन आसाम Aware of these things, yes, and they have so far taught uh, more than twenty thousand school children. Weekly, they go and they do all these things. So, such exercise should be done, particularly in Delhi. I think Delhi must do this uh, awareness among the children. So, this is uh, again. Uh, this is uh, eighteen ninety-seven earthquake. These are all the eight states that we talk about. And a similar thing followed. Uh, popularization of the thing, holding campaign places, disaster sites—five sites in each excess city. There were more than hundred such sites: mall, uh, hotel complexes, housing society, important state office, etc., etc. All were covered. And then there were press meetings, informing people about it. And here we had to do mega mock drill on two days because eight states were too many to handle in one day so on 10th march and 14th march we did it and the same thing continued and again mega model test the readiness and model, model got it raised quick awareness so again the kind of coverage that we had was uh, really uh, very very exciting and uh, encouraging and as i said as i told you gagan that it is becomes very important that these exercises could be should be repeated because yes. people forget about. So what is the positive outcome? Sensitization of state administration because many people in the state had never realized that this is also one of their responsibilities. Hands-on experience, expression, uh, evidence generation, and identification of the gaps. One thing is earthquake early warning system. So I earthquake forecast. होता क्या है कि जब भूकंप आता है तो उसमें दो तरह की तरंगें पैदा होती हैं दीज टू वेवस वन आर द लॉन्गिट्यूडल वेव्स विच आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट सेवन किलोमीटर्स पर सेकेंड एंड देन दे आर द शेयर वेव्स विच ट्रेवल एट अबाउट हाफ द स्पीड थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर पर सेकेंड ना देयर वेव्स आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज So, what happens? There, suppose an earthquake comes at a distance of 200 kilometers from Delhi. So, the shear waves, which are the damaging waves, will take about uh, 55 60 seconds to reach here. Whereas, on the basis of the longitudinal waves, the earthquake is located within 5 seconds. So, you get a lead time of 50 seconds to do the alertness. दैट हाउ शुड वी गेट रेडी फॉर इट तो इसका ये एक डायग्राम दिखाया गया है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि लॉन्गिस्टल बेस पहले पहुंच जाएंगी सौ किलोमीटर डिस्टेंस पर और जो डिस्ट्रक्टिव वेवस हैं वो बाद में पहुँचेंगी सो so, इसको लेकर हम जो हैं सेटअप कर सकते हैं जैसे कि उत्तराखंड ने करा है उत्तराखंड ने एक नेटवर्क ऑफ सैसमिक स्टेशन लगा दिया है और इस स्टेशन के द्वारा उन्होंने नेपाल में जो पाँच मिनट के भूकंप आए हैं अभी हाल में 12 नवंबर 2022 में आया उसके अलर्ट जारी करें सो दिस इज़ ए वेरी यूजफुल थिंग एंड आई मस्ट गिव यू द एग्जांपल सेवरल एग्जाम्पल्स से ऑन अलेवेंथ ऑफ मार्च 2011 वी टू थाउजेंड अलेवन वी आर ए मैन नाइन नॉट ए सिंगल पर्सन ब किल्ड इन टोक्यो जस्ट अ डिस्टेंस ऑफ टू किलोमीटर फ्रॉम देयर एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज all these alerts were given and uh, there are things like uh, making earthquake proof buildings most of the sites which have problem is due to soil liquefaction what happens that there are fluids in the pores in the rock mass down below and when there is a earthquake there is very rapid movement and the fluids come out and that media becomes like a jelly so any building who whose foundation is in the liquefiable area would be affected by the earthquake it is very simple and easy to find out that how many layers will get liquefied during an earthquake there are cone penetration tests etc for that so after we determine that in this part of delhi 10 5 meters will be liquefied then the basement of our building should go deeper than 5 meters so that liquefaction does not affect the base of your building this is done all over Japan and most of the developing countries. Now, let me get to some after effects of the earthquakes. You see what happens once an earthquake comes, a lot of destruction has taken place, buildings have been weakened because of this earthquake, and when the aftershocks start coming, they further create problems. So, if we can estimate, and normally, as I told you in the beginning, that a magnitude of 5 and larger can be. Aftershocks can be damaging, yes. they can destroy. So, we can estimate that how long magnitude 5 earthquakes will come aftershocks. We can give a clue to the management, to the people responsible that what should be the so what we did? We did a study of all the aftershocks of the major earthquakes in Himalaya, and we came up with a relationship which gives us the magnitude of the earthquake. And the duration for magnitude 5 and larger aftershocks. So as the magnitude increases, this duration keeps on increasing. Say for example, for a magnitude uh, 6.5, for 7.5, it will be for 30 days, whereas for a magnitude 8 earthquake, aftershocks will continue to come for about 800 days. So, any earthquake coming in Himalaya, we can see what the magnitude is, and we'll have first first uh, estimate that how long the aftershocks will continue. We did it in real time for the Turkey earthquake. Turkey earthquake, which occurred on 6th of February 2023, using the data of first 45 days, we estimated that how long the magnitude five aftershocks will continue. This was all published immediately within uh, one month of the uh, within two months of that earthquake. And then one, we said that these aftershocks will continue for 250 days. And then we kept on observing, and when 250 days were over, we saw that these were forecast and earthquakes stopped after 191 days. So, this is supposed to be very good estimate because we estimated it will continue for 250 days they continued for 191 days. So, it is possible today that whenever an earthquake comes for the relief purpose and for the taking care of the after earthquake activities this is a very useful thing. I am coming to the final phase of my talk today. And uh, I am going back to a book by Richter, by Charles F. Richter, who wrote this book in 1958 Elementary Seismology. In Elementary Seismology, Richter dedicated one chapter to Indian earthquakes. In that chapter, there were six Indian earthquakes the 1819 Kutch earthquake, human lives lost 1500. India's population at that time was 200 million. 1897 Shillong earthquake, 1550 life got 220 million. 4th April 1905 Kanga earthquake, population 250 million. So, you see, as the population increases, the number of lives lost increases. Bihar Nepal earthquake 1934, population lives lost 15,000, 360 million. Nepal 5 million. Then, Quetta, at that time, Quetta was in India. So, here the population was. Uh, 365 million and lives loss was 30,000. August 1950 earthquake, Assam, the lives loss 4,800, population has increased to 400 million. Now, it so happened that at three places the earthquakes have repeated. We had the 26th January Buj earthquake, which was similar to the 1819 Kach earthquake. Here, the lives lost is 20,000, whereas there, the lives loss are only 150. 1500 and the population has increased to, hun, uh, to uh, 100 crores or 1000 million. Muzaffarab earthquake 2005, 7.6, 87,000 lives lost. So, population has increased to uh, 1150 million in India and 170 million in Pakistan. The only exception is the Gurkha earthquake. In Gurkha earthquake, the lives lost uh, were 10,000 only, whereas the previous earthquake at the same place had uh, taken 15,000 lives. So, here the lives lost are less, whereas the population, if you compare, at that time, population uh, in India was uh, 360 million and Nepal 5 million, and now the population in uh, in uh, Nepal in India is 1320 at that time and Nepal 27 million. So, this is the only earthquake where the lives lost are lower than expected on the basis of previous earthquake, and why it has happened? Because, because every 16 January Nepal observes an earthquake day. And in 19 uh, slogan for 16 January 19 uh, 2023 was earthquake safe infrastructure the base of safe life. Also in Kathmandu they have uh, located 100 around 100 spots which are the places they tell people to go in case they so this becomes a very important thing to do. Now let me give you examples of how countries have done. You see Haiti is a small country in the Caribbean somewhere in 1990s I was commissioned by the Commonwealth Science Council to go to the Caribbean countries and estimate that how prepared they are for earthquakes. So Haiti was one of the worst and my report did tell that uh, they have no preparation nothing like that. But as usual the reports gets filed some person comes uh, reports and files this. On 12 January 2020 there is a magnitude 7 point earthquake, life's lost: 316,000 and I was not surprised. Because I had visited that place and I had made that estimate. However, this earthquake woke them up, and uh, they started preparing. And then 14th August 2021, a larger earthquake came. This was seven. This 7.2. Life loss only 3,000. So a country like Haiti can do this. Why can't we? Taiwan earthquake the 21st september 1919 chichi Chi earthquake 7.6 magnitude life loss 2,500 2nd april 2024 holi earthquake magnitude 7.4 life loss 14 now one of the most sensitive area today is kashmir area because in kashmir area in 19, 1885, Baramulla earthquake claimed 3500 lives and uh, 2005, this Muzaffarabad earthquake was border of India and Pakistan, 87000 lives and they had some wonderful things. Daji Diwari structure is the best structure to make buildings earthquake resilient because what they do when they are making the wall. They put uh, a plank of a tree, uske moti, 10 inch So that makes the house and this was such a lovely tradition and all those old traditional houses did not fall in during all these earthquakes. This is only the recent construction which are having the problems. So what is important? You see this disaster risk reduction should become a part and parcel of our urban development sometimes for urban development we don't take into care the problems that we may face and the idea should be to make all our projects free from disasters this should be a requirement of all the uh, planning and everything else so what i would like to suggest that is very important to observe an annual earthquake day i have been debating and requesting it to the central government that uh, 4th april should be declared as a earthquake day. that is day on which we had the uh, Bhukamp uh, in uh, 19, uh, 1905. 1905. Uh, so that is a very convenient day. addressing school children is extremely important. And lifeline buildings we must take care of. and the scenarios and public participation. आई एम से एक्साइज विच वी हैव डन इन द पास शुड बी रिपीटेड ऑन टू और थ्री ईयर बेसिस एंड इस्पेशली आई एम अगेन फोक्सिंग डेली डेली इज सिटिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आई रियली मेरे को बड़ा अचंबा होता है कि बहुत दिनों से इसके आस पास कोई बड़ा भूकंप नहीं आया अगर भूकंप आएगा तो जो क्षति होगी इस अनइमेजिनेबल I must thank you for listening, and uh, I hope that you listen. You, my talk makes a difference to your life and you plan to be in earthquake resilience society. I like to thank all my colleagues at National Disaster Management Authority, NIST, NGRI, MOES, NDRF, SDRF, State and Cellular Commerce, and thanks to NCRT for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. you so lovely listening to you, sir. Uh, कान तो ऐसा लग रहा है कि अभी सुनते ही रहें पर आ, समय की तो कुछ पाबंदियाँ हैं है। है। सर मैं आपसे खुद बात करना चाहता हूँ आपने बात की काफ़ी आपने एम्फोसिस दिया न, कि प्रिपेयर्ड थिंकिंग ऑफ टाइम थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरनेस की बात यस आजकल स्कूलों में सिखाया जाता है बच्चों को कि इस तरह की प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार रहें अगर और घरों में एक छोटा सा बैग तैयार रखें जिसमें कुछ पानी की बोतल हो कुछ पैसे रखे हों कुछ छोटे छोटे कपड़े रखे हों जो कि इस तरह की स्थिति में और बिल्कुल घर के बाहर की तरफ एकदम से अगर भागना पड़े तो तो लेकर के निकल सकें उसको हाथ में ले लें और किस तरह से आना है घर के अंदर जैसे आपने बात की कि कोने में जाएं बीम के नीचे जाएं और ना मिले तो बच्चों को सिखाते हैं कि टेबल के नीचे ही आ जाओ किसी कोई मजबूत टेबल हो उसके नीचे आ जाओ तो थोड़ा सा आपको बचाव हो सकता है हमारी पाठ्य भी इन सब चीज़ों का समावेशन कर रही हैं इन सब चर्चाओं का समावेशन कर रही हैं सर आप, आपने बात की एक ह्यूमन प्रिपेयर्डनेस की बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर uh, डेवलपमेंट की बात की मुझे याद है कि बचपन में जब हमारे घर बनते थे तो मेरी नानी का घर जो था उसमें भी खपंचे लग, साथ साथ लगी हुई थी दो कि उस समय दीवारें काफ़ी मोटी मोटी होती थी उस सब के बावजूद भी एक हम कहाँ खो गए इस सब में जहाँ जैसे आपने दक्षिण दोर्जी की बात की कभी कश्मीर के रीजन की बात की तो आपको कहाँ लगता है कि क्या हम डेवलपमेंट विकास की दौड़ में अपने आप को इतना आगे बढ़ाने लगे कि हम कहीं खो गए देखिए धोखाधड़ी बहुत हो गई है ये जितने लोग क्लेम करते हैं कि हम अर्थ को रिजिलेंट बिल्डिंग बना रहे हैं मेरे को सच मानूँ उनमें से कोई भी ये नहीं कर रहा अच्छा अच्छा और उसका मतलब ज्वलंत उदाहरण होगा कि अगर खुदा ना खास्ता एक बड़ा भूकंप आए तो क्या हालत होगी इन बिल्डिंग्स की और हुआ क्या है गगन के पहले लोग जो थे एक मंजिला मकान में रहते थे तो एक मंजिला मकान में जो छत होती बहुत मज़बूत नहीं होती थी और बहुत मोटी नहीं होती थी तो वो गिरेगी भी तो आदमी बच जाएगा लेकिन अब तो वो इतने हैवी स्ट्रक्चर्स हो गए हैं एक बड़ी प्यारी चीज़ क्या है कि हम नीचे ग्राउंड फ्लोर खाली छोड़ देते हैं कि गाड़ियाँ से पार्क होंगी देर इज अ वर्थ थिंग दैट वी कैन डू फॉर अ बिल्डिंग बिकॉज उसमें क्या होता है कि देन द बिल्डिंग इज फ्री टू आइसोलेट जो आपकी दीवारें रहती थी वी आर होल्डिंग द बिल्डिंग टूगेदर तो ये जो ग्राउंड फ्लोर में हम पार्किंग जो कर रहे हैं इट इज़ वेरी डेंजरस So so be हाँ, करिए uh, जो स्ट्रक्चर होते हैं सब चीजें किताब पर लिखी हुई है करते हैं होता क्या है ये आपको भी मालूम है मेरे को भी मालूम है लेकिन वहां पे जो दीवार बनी हुई वो दिखाई तो, पड़ेगी

तो so यहाँ पे यहाँ पे मेन शॉक का मैग्नीट्यूड है 6.5 से लेके yes 8 sir, तक एंड दीस आर द टाइम ऑफ आफ्टर शॉक्स आफ्टर शॉक्स हाउ लॉन्ग दे विल लास्ट सर तो सिमिलरली इज देयर सम स्टडी और कैन वी कैन कैन डू वी हैव सम स्टडी वेयर इट शोज दैट जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही है प्लेट्स हिल रही है नीचे जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है तो वो कितने टाइम तक उनका इफेक्ट रहता है कितने टाइम तक वो हिलती है दे दे डोंट शेक आर मूविंग यूनिक डायरेक्शनली ये ऐसा no. नहीं हो ऐसे गई ऐसे नो दे आर कॉन्स्टेंटली सो अवेलेबल फ्रॉम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स ओके जी पी एस सो Globally, we have available a map of uh, strain accumulation. how much strain is being accumulated where. And as I told you,, I was involved with creating the global seismic hazard map, The global seismic hazard map where some 500 people work from around the globe. yes. Uh, I had the privilege of being chair of that steering committee. So we have done it uh, globally, that, uh, what are the estimated accelerations at the basement? You know, where the rocks we cannot compute at the surface because we can compute at the hard rock level. Yes. What will happen on the surface is something which the local people have to do because that becomes too much of an exercise that look at globally all the places. So, those computations were done. So, those maps are and they are building codes available everywhere you know. The anticipated acceleration at any place in India today. So, what is necessary that when we are constructing our buildings, our houses, we should be very care that careful that where are we building, what are the anticipated accelerations, and whether the building that we are making, our house, our home, or apartment complex, is capable of withstanding those accelerations. Sir, you mentioned about acceleration 1g. Huh. Uh, what exactly does that mean, sir? 1g acceleration means that when the acceleration exists 1g. Things literally lifted because g is what is the acceleration due to gravity. gravity. So unless until it is more than one g, a thing cannot be bodily lifted. Okay. So what I told that the 1897 shock earthquake gave the evidence that the acceleration during that earthquake had exceeded one g because of boulders, they were literally lifted up. Now. Yes, yes, sir. sir. Sir, There are, uh, Simran, You have also one question. Of I course, know. Of of course, course. Yes, sir, 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 uh, sir, yes, sir, इस पर ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्य ग्रह हैं, उन पर भी uh, इस तरह की natural calamities होती रहें। uh, पता नहीं उन्हें अर्थ को एक कहेंगे या नहीं क्यूँकी ये तो तो जुड़ा हुआ moon है

और सर मेरा एक छोटा सा जिज्ञासु सवाल है आपसे जी uh, जैसे अगर हम तकनीक की बात करें तो तकनीक के क्षेत्र में इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हमने देखा है लॉट ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट वी हैव सीन कि हम अर्थ एक रिजिलियंट सोसाइटीज की बात कर रहे हैं सो थ्रू मैं नो वे दैट वी कैन स्टॉप अर्थ क्वेक्स और एनी ऑफ नेचुरल क्लामिटीज वेरी गुड क्वेश्चन And we have come to a, we cannot stop the movement of the plates. Yes. Because move of the plates is uh, dependent on the movement of the convection currents from the core of the earth. Core. Yes. They come up, so that we cannot handle. Hmm. Only that what we can do is that where the strains are accumulated, we release those strains. Yes. Okay, that is possible. But in the process of releasing, you can release. कोशिश कर इस तरह के uh, जो उद्भाषण है सर <laughs> और uh, हम उम्मीद करते हैं कि एक हम अर्थ को एक रेसिलटी बनाने में कुछ को अपना योगदान करें दोस्तों मैंने एक गलती की थी शुरू में मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने शुरू में जब उल्लेख कर रहा था इस सब्जेक्ट का बताते समय कि साउथ कोरिया का मैंने नाम लिया था कि जिसका कि अभी हाल ही में वो साउथ कोरिया ना होकर तो ताइवान था सर था। ने उसको अपने उद्भाषण में से उसका किया। चर्चा किया मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने साउथ कोरिया का नाम लिया ताइवान था बेसिकली uh, का आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया सर कि जहाँ पर कि उन्होंने एक अच्छी एक साल के अंदर ही दस साल उन्होंनेट uh, की सोसाइटी को डेवलप किया सर हम टाइम अब इजाजत <laughs> <है सर, इजादद laughs> नहीं दे रहा है हम अगले uh, उसकी की बात करें दोस्तों बिल्कुल, uh, बिल्कुल, आपको याद होगा कि बाईस जुलाई को हमारे साथ प्रोफेसर प्रभात रंजन यहाँ पर आए थे और उन्होंने नेट जीरो वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात की थी एक नई टेक्नोलॉजी की बात की थी हमारे पास हमारे अगले एपिसोड में अगले संस्करण में बयासीवें संस्करण में, में डॉक्टर वी के सारस्वत मेंबर प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ होंगे स्टूडियो में होंगे और वो बात करेंगे कुछ मिली जुली चीज़ों की जिसमें कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और वो उनका प्रॉप टाइटल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप लोगों का साथ हमें फिर से मिलेगा 9 अगस्त को हम फिर से मिलेंगे सेम समय पर सुबह दस बजे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार Uh, तो दर्शकों 9 अगस्त को आप इस तारीख को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और आप समय तो जानते ही हैं कि 10 से 11 हम अपना खास कार्यक्रम यानी हमारी वेबिनार सीरीज लिसनिंग टू लर्न का एटी सेकेंड एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे आज हमारी चर्चा का विषय था डेवलपिंग एन अर्थ क्विक रेजिलियंस सोसाइटी इसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ समझा और हम जानते हैं कि आप भी चाहते हैं कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए पर अब समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड स्पेशल थैंक्स टू आर स्पेशल गेस्ट हु हैव कनेक्टेड

हम आपके अंटार्कटिका एक्सपेडिशन के बारे में और बात करें और बात सुने उसके बारे में भी बात सुने वो आपका एक अनोखा अनुभव रहा है और उस अनुभव की हमारे साथ चर्चा करें सर आने आगे आने वाले दिनों में हम तो एक बार पुनः आपको अपने स्टूडियो में देखने के लिए लालयित हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सी एस आई आर एन सी आर आई और प्रोफेसर गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे साथ हमारी धन्यवाद दोस्तों बिल्कुल और साथ ही डॉक्टर गुप्ता डॉक्टर गगन गुप्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एंड वी विल आल्सो लाइक टू थैंक ऑल आर गेस्ट ऑल आर व्यूअर्स हु कीप ऑन कनेक्टिंग विद अस फॉर द डाइवर्स प्रोग्राम्स अपने इस सत्र को हम यहीं पर खत्म करते हैं पर आपको बता दें कि बारह बजे हम फिर से हाजिर होंगे लेकर एक विशेष कार्यक्रम समावेशी कक्षा का हमारा यह कार्यक्रम रहेगा टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम वे वी ट्राई टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन क्लूसिव क्लासरूम सेटअप तो आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ और एन ऑफिशियल पर भी तुरंत इस कार्यक्रम को अपलोड कर दिया जाएगा उस पर भी कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और आपके सवालों का हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार